नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस 2.5 मेन क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स के स्टेट बोर्ड के जो वीडियोस हैं वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपने क्लास का वीडियो सर्च करने के लिए मेरा नाम महेश वलांडे और क्लास 10th महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च कर सकते हैं। और ऐसा सभी क्लासों के लिए है, 7th का सर्च करना है तो महेश वलांडे क्लास 7th ऐसा आप सर्च करें तो आपको क्लास 7th के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर ऐसा आप सर्च करेंगे तो आपको अपने क्लास की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस 2.5 में एक क्वेश्चन नंबर 4 था, जहां हमें अगर रूट्स दिए गए हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था। तो उस क्वेश्चन में एक गलती यहां पे हो चुकी है। देखिए, अगर गलती हो चुकी है तो हो गई है, उसे कबूल करना ही अच्छा होता है। तो देखिए, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आता है। और यहाँ पे मैंने बाद में करेक्शन नहीं किया था क्योंकि वीडियो में ही मुझे करेक्शन करना था। तो पिछला जो वीडियो है इससे पहले आप वो देख सकते हैं, अगर वो आपने देखा है तो वहाँ पर ये गलती हो चुकी थी, 2² = 4 लिखना था। तो 4 - 5 यहाँ पे -1 और ये दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन था। तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था अल्फ़ा इंटू बीटा, वहाँ पे हमें -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो यहाँ पे -1 होगी। तो x² - 4x - 1 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो पिछला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4kx + k + 3 = 0। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखिए x² - 4kx + k + 3 = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ द सम ऑफ द रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी सम इज डबल देयर प्रोडक्ट, जो रूट्स हैं उनकी सम वो रूट्स के और उन्हीं रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसके डबल है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो हमें पता नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा लेना है। तो लेट हम लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सपोज अल्फ़ा और बीटा हैं, तो इन दोनों रूट की सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होता है। तो इससे पहले हमने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ax² + bx + c = 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों की एडिशन -b/a आती है। तो x का कोएफिशिएंट b होता है और x² का कोएफिशिएंट a होता है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट है -4k और कांस्टेंट वैल्यू k+3 है, मतलब ये c की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट -4k b की वैल्यू और
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ये वैल्यू ए की वैल्यू। तो अल्फ़ा और बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो माइनस बी अपॉन ए, तो हम यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे, फिर माइनस, अब बी की जो वैल्यू है माइनस फोर के है, तो हम यहाँ पे माइनस फोर के लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ए, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4k आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4k। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है। अब c की वैल्यू देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू k प्लस 3, तो ये हो गई k प्लस 3 डिवाइडेड बाय a, a की वैल्यू 1 ही है, तो ये होगा k प्लस 3। तो हमें इन दोनों में रिलेशन दिया गया है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्या रिलेशन है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब कौन किससे डबल है, तो सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल। अब यह इज है मतलब इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू है किससे, डबल मतलब टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का जो प्रोडक्ट है उससे अगर हम डबल करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट्स की हमें सम मिल जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ है 4k, तो यहाँ पे वैल्यू 4k सब्स्टिट्यूट करो, तो 4k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k प्लस 3। अब 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए अब क्या होगा, 4 इंटू k इज इक्वल टू 2 से दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू k 2k प्लस 2 इंटू 3 6। अब 2k को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6 प्लस 2k का होगा माइनस 2k, तो 4k माइनस 2k ये होगा 2k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में लेना है, तो k इज इक्वल टू आंसर होगा 3 और हमें k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k इज इक्वल टू 3 यह सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमें यहाँ पे दो फार्मूलाज जो हम आगे अभी पढ़ेंगे वो फार्मूलाज हमें आने चाहिए। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कि जैसे हमने अभी लिया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब बी एक्स का कोएफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी कांस्टेंट वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है और सी की वैल्यू माइनस 7 है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दो वैल्यूज़ हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए माइनस बी की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन 1 2 प्लस 2। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 7 अपॉन ए, ए की वैल्यू वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, माइनस 7 अपॉन 1 मतलब ये होगा माइनस 7। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 7, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस 2। अब इन्हीं दो वैल्यूज से, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दो वैल्यूज़ को लेकर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यह वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम
जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है जो हमें याद करना है। देखिए फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये फार्मूला कैसे आता है, देखिए एक फार्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक ही साइड में रखना है और प्लस टू ए बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ए बी का होगा माइनस टू ए बी। अब ये एक साइड में है यहाँ पे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साइड में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसी फार्मूला से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, देखिए यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ए प्लस बी जैसे था यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमें पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू टू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस सेवन, तो टू और माइनस सेवन। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा टू का स्क्वायर होगा माइनस टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस सेवन होगी। तो टू का स्क्वायर यहाँ पे फोर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन। फोर्टी नाइन और फोर अगर हम इनके एडिशन करते हैं तो हमें यहाँ पे एक और देखिए माइनस टू है, तो यहाँ पे माइनस टू होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, टू इंटू सेवन फोर्टीन। तो फोर्टीन और फोर इन दोनों की एडिशन होगी एटीन, मैंने टू की जगह यहाँ पे सेवन ले लिया था गलती से। तो माइनस टू एज इट इज़ रखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू एज इट इज़ रखनी है माइनस सेवन। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, टू इंटू सेवन फोर्टीन, फोर्टीन प्लस फोर एटीन। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन से हमें मिल जाएगी एटीन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसलिए यहाँ पे भी एक फार्मूला है। अब पहले हम कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी यहाँ पे लेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला लेंगे। तो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा फार्मूला आपने देखा होगा। ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ये फार्मूला, और एक फार्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का, देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। देखिए इस फार्मूला में क्या है, ए का पहले हमें क्यूब लेना है और बी का भी क्यूब लेना है, थ्री दोनों टाइम्स लेना है। यहाँ पे ए का स्क्वायर बी है और यहाँ पे बी का स्क्वायर ए है, दोनों टर्म में थ्री थ्री लेना है। तो ये फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब पहले लेना है, बी क्यूब यहाँ पे लेना है। तो ये दो टर्म्स जो हैं ये दो पहले हमें लिखना है, फिर इन दोनों टर्म्स से हमें थ्री ए बी कॉमन लेना है। थ्री ए बी हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर का एक ए ब्रैकेट में रहता है और थ्री और यहाँ का एक ए और यहाँ का बी कॉमन आते हैं। तो यहाँ का एक थ्री, यहाँ का एक ए, बी स्क्वायर का एक बी कॉमन, तो यहाँ पे एक बी रहेगा, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में रहेगा। अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए दोनों का अलग अलग क्यूब है और ब्रैकेट का क्यूब, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, तो हमें दोनों का अलग अलग क्यूब चाहिए, तो ये चाहिए, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पे इस पार्ट को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, ए प्लस बी
ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab का होगा माइनस 3ab, मतलब ये पूरा माइनस होगा, तो यहाँ का माइनस साइन होगा, यहाँ का नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे टर्म का साइन यहाँ पे है। तो ये प्लस अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं तो माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये फार्मूला हमें अभी यूज करना है और इस फार्मूला से ही हमें वैल्यू अभी फाइंड करनी है। तो देखिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 × अल्फ़ा × बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें यह फार्मूला क्यों लेना है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो इन तीनों की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -7। तो हम यहाँ पे 2 और -7, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 क्यूब -3 × अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -7 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2। तो 2 का यहाँ पे क्यूब होगा तो 2 क्यूब 8 होगी वैल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 42, 42 + 8 ये वैल्यू होगी 50। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने फाइंड कर ली है। अब जैसे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब था, ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता है, तो उन्हीं एक्सप्रेशन को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है और वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हमें जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है वो हमें फाइंड करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, अभी एक ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस सीट 2.5 में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस सीट 2.6 आता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।